आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार हेल्दी एंड टेस्टी कद्दू रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ज़रूर क्लिक करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एसएम मोतीजल कुकिंग और आप हैं सुनील मुर्मू के साथ। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने कद्दू का बाहरी हिस्सा को छील लिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है और इसको पानी से धो लेना है। छोटे छोटे टुकड़े में काट करके इसको पानी से धो लेना है अच्छी तरह से। और हमने तेल गरम किया और हमने डाला फास्फोरन 1 चम्मच हमने डाला। उसके बाद हम डालेंगे 3 लाल मिर्च हमने डाला और उसके बाद हम 2 तेज पत्ता डालेंगे। इससे क्या है कि कद्दू रेसिपी बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। और हमने 1 प्याज कटा था और हमने 1 प्याज डाला, ये मीडियम साइज का प्याज है। हमने उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है। हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट को डाला। उसके बाद हम ऐड करेंगे हल्दी मसाला पाउडर और धनिया मसाला पाउडर और जीरा मसाला पाउडर। ये 3 मसाला हमने 1 कप में थोड़ा सा पानी में हमने घोल करके रखा था और इसको हमने ऐड कर लिया है। और मसाला को पका लेना है अच्छी तरह से और उसके लिए हम थोड़ा सा फिर पानी ऐड करेंगे। 1 कप हमने पानी ऐड कर लिया है और इसको चलाना है बढ़िया से। और चलाने के बाद इसको ढक लेना है ताकि मसाला बढ़िया से बन जाए। तो हमने ढक कर लिया है और 1 से 2 मिनट तक इसको ढक करके रखना है और फिर ओपन कर लेना है। ओपन करके देखना कि मसाला बहुत ही अच्छा बन चुका है, मसाला पक गया है। अब हम डालेंगे कद्दू जो हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट करके रखे थे। अब हम कद्दू डालेंगे और कद्दू डाल करके इसको चलाना है जैसे कि हमने चलाया। और इस तरह से चलाना है और थोड़ा सा इसमें नमक देंगे स्वाद अनुसार। जैसे कि हमने 1 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच हमने दिया नमक। और इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, मिक्स कर लेना है और इसे ढक लेना है। अब हम इसको ढकेंगे जैसे कि हमने ढक लिया है। ये 5 से 6 मिनट तक ढक करके रखना है, उसके बाद ओपन कर लेना है। जैसे कि हमने ओपन कर लिया, अब हम चलाएंगे थोड़ा देर चलाने के बाद हम उसमें ऐड कर लेंगे एक थोड़ा सा पानी, यानी कि थोड़ा सा 1 कप पानी ऐड कर लेना है। हमने ऐड कर लिया है पानी और इसको थोड़ा सा चलाना है। चलाने के बाद इसको ढक लेना है और फिर ओपन कर लेना है, यानी 5 से 6 मिनट तक ढकना है। उसके बाद ओपन करके फिर इसको चलाते रहना है। और चलाने के बाद जैसे कि देख सकते हैं ये रेसिपी तैयार हो रहा है। तो ये कद्दू बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी खाने में भी लगता है और कद्दू खाने का बहुत सारे ऐसे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं कद्दू खाने का। कद्दू का उपयोग रसोई में कई प्रकार के पकवान बनाने के लिए किया जाता है, सिर्फ स्वाद के वजह से ही नहीं बल्कि कद्दू को औषधीय गुण के कारण इसे घर में जगह मिलती है। कद्दू ये पीला टाइप का कद्दू है। कद्दू का कई प्रजाति है, बहुत सारा तरह का कद्दू मार्केट में आता है लेकिन ये पीला टाइप का कद्दू है। कद्दू खाने से त्वचा और बालों की हेल्दी रखने में मददगार माने जाते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, विटामिन ई के गुण भी पाए जाते हैं। तो कद्दू
अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोग इसे कोमड़ा कहते हैं, कुछ लोग इसे कोंढ़ा कहते हैं, और कुछ लोग इसे सीताफल कहते हैं, और कुछ लोग इसे काशीफल कहते हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से कद्दू को जानते हैं। कुछ मीठा कद्दू, चप्पन कद्दू आदि, और कई नामों से जाना जाता है। तो कद्दू रेसिपी आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।